मई का महीना आते ही मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आइए जानते हैं अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा। 25 मई से नौतपे की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद गर्मी में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, दतिया, सागर, भिंड, मुरैना, उज्जैन, रीवा, धार और दमोह शामिल है। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। मौसम विभाग ने 25 से 26 मई तक ज्यादा गर्मी का अलर्ट जारी किया है। तेज धूप में बाहर ना निकलें और जारी किए गए सभी नियमों का पालन करें। साथ ही सिवनी, पाढुरना और पेंच में बिजली के साथ ओलावृष्ट होने की संभावनाएं हैं। बैतूल, सागर, रायसेन, सांची और ढिंडोरा में हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, जिसमें भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, शाहजहांपुर, टीकमगढ़, रतलाम, नर्मदापुरम, धार, शिवपुरी, खरगोन, दमोह, सतना, रायसेन, खंडवा, सागर, गुना, मुरैना, नौगांव, भिंड, रीवा, खजुराहो, निवाड़ी और जबलपुर शामिल हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर का तापमान सबसे ज्यादा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिवनी, पाढुरना और पेंच में बिजली के साथ ओलावृष्ट की संभावना है। हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। दक्षिण बैतूल, दक्षिण सागर, रायसेन, सांची और ढिंडोरा में बिजली के साथ मध्यम गरज और बारिश हो सकती है। उज्जैन, विदिशा, भोपाल, बैरागढ़, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, दमोह, मंडला, कान्हा, अनूपपुर, अमरकंटक और बालाघाट में शाम के समय से राहत मिल सकती है, लेकिन बिजली चमकने और हल्की आंधी की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश की इस भीषण गर्मी में सतर्क और सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। लोकलिटीन के लिए भोपाल से ऋतिका तिवारी की रिपोर्ट।